हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोना। आज मैंने बनाया है हेल्दी ड्रिंक। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ 7 डे हेल्दी ड्रिंक चैलेंज। यानी 7 दिन में अलग अलग डिफरेंट हेल्दी ड्रिंक बनाऊंगी, जिसके आपकी इम्यूनिटी बूस्टर, हेल्थ इफेक्ट, विटामिन, हेयर के लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। अलग अलग दिन में अलग अलग रेसिपी आपको शेयर करती जाऊँगी। आज मैंने सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट से जूस बनाया है। वो 3 इन्ग्रीडियंट्स आपके फ्रिज में इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे दही है, बीटरूट है और मिंट लीव्स है। मैंने एक बीटरूट को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। उसके बाद स्मॉल सा पीस लिया है। अगर 1 कप जूस बनाना है, इस हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने अच्छे से वॉश करके बीटरूट को छोटे पीसेस में कट किया है। छोटे पीसेस में कट करने के फ़ायदा ये रहेगा कि हमें मिक्सी ज़्यादा चलानी नहीं पड़ेगी, फटाफट से जूस बन जाएगा 1 या 2 मिनट के अंदर। अच्छे से चॉप कर दिया, फिर मिंट लीव को भी अच्छे से चॉप करना है, ना बारीक ना मोटा, 4-5 पत्ते काफ़ी है मिंट लीव्स के। उसके बाद एक मिक्सी के जार में हमें ये बीटरूट, मिंट लीव्स, और आपको जितना थिक रखना है जूस, इस हिसाब से आपको दही ऐड करनी है। मैंने 2 बड़े चम्मच दही डाली है। मुझे थोड़ा थिक यानी माउथ वाटरिंग लगना चाहिए, इस हिसाब से मैंने दही ऐड किया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर नमक ऐड किया है। आप चाहे तो नमक अवॉइड कर सकते हैं। फिर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। उसके क्या उसके जो बेनिफिट है, हमको काफ़ी सारे बेनिफिट है काली मिर्च के पाउडर से। फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैंने मिक्सी चला दी। थोड़ा कम पानी ऐड करना है। जब मिक्सी चलाने के बाद ये जूस अच्छे से बन जाए, ये उसके बाद आपको ग्लास की मदद से थोड़ा पानी और ऐड करना है। आपको जितना थिक रखना है उतना आप थिक रख सकते हैं। मैंने कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक भी नहीं रखी और थोड़ी थिन भी नहीं रखी। और इसको एक ग्लास में शाव कीजिए, पीजिए और एंजॉय कीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। स्किन के लिए, हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, फायदेकारक है। अगर आप डाइट और वेट लॉस जर्नी पर है तो आप ये प्री वर्कआउट के टाइम पे ये पी के जा सकते हैं, जिससे कि आपका स्टेमिना बना रहेगा और आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।